गाइस, अभी मैच का बहुत खतरनाक सीन चल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल बाजी पलट गई है और सब लोग देखो मेरे को कितना तकड़े तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पप्पी अंकल बिल्कुल शांत हो चुके हैं। तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है। अभी ना हम जा रहे हैं क्योंकि रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं। तो हमारी मासी है ना, जो रचना मासी है, जो दरियागंज में रहती है पुरानी दिल्ली के अंदर, तो गाइस उन्होंने हमको बुलाया है कि वहां पर वो बोल रहे थे कि उनके यहाँ रोजों के अंदर बहुत बढ़िया बाजार लगता है, वो भी रात के अंदर। रात के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया बाजार लगता है। सो गाइस, अभी मैं और सुजल वहीं पर जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं ओल्ड दिल्ली का रमजानों के अंदर वाला बाजार, कितना बढ़िया बाजार लगता है। और मासी कहती कि वहां पर बहुत ज्यादा रश रहता है। वैसे ये बात तो मेरे को पता है क्योंकि हम एक बार लास्ट टाइम भी गए थे, लेकिन हम प्रॉपर ऐसे घूमने नहीं गए थे। प्रॉपर वहां पर घूमेंगे और गाइस मोहब्बत का शरबत भी पियेंगे और वो भी खाएंगे, क्या कहते हैं उसको, जो आका वो जो मिठाई, फेमस मिठाई है, फेमस स्वीट क्या है, क्या है वो, हाँ शाही टुकड़ा। गाइस शाही टुकड़ा भी खाएंगे गाइस, ठीक है ना। और वैसे भी संडे भी है, सॉरी, हाँ वैसे भी गाइस संडे है, थोड़ी चीट मील भी कर लेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया डाइट करते करते, ठीक है ना गाइस। तो चलो चलते हैं फटाफट से और वहीं पर मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं, रोजे रख रखे सुजल, रोजे रखे भाई, अभी तारीख खोली है, अभी खोली है। अरे गाइस जस्ट जोकिंग, अभी खाना वाना हमने खा लिया है, मासी के हाथ की टेस्टी बिरयानी, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी आपने, ये देखो दोबारा देख लो, बहुत मस्त। मम्मी और इनके हाथ का स्वाद बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। और इसको नहीं लेके जाएंगे हम, तेरे को ही लेके आ रहे। सो गाइस, अभी 11:30 हो रहे हैं, हम 11:30 बजे निकल रहे हैं। और ये हमारे चाचू ये बता रहे हैं कि रात में ही मजा आता है, लेकिन और ज्यादा रात में मजा आता है ना, लेकिन इनको नींद आ रही है, जबरदस्ती हमको जल्दी लेके जा रहे हैं। अभी टाइम क्या, जल्दी कह रहे हैं, 11:20 हो रहे हैं, लेकिन ये पूरी रात ही लगता है ना, पूरी रात चार बजे बाजार। चलो मौसी भी आ गई, मोहब्बत का शरबत पीने के लिए रेडी हूँ। चलो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, देखो मौसी कह रही है ये बहुत ज्यादा फेमस है जैम बन, इसमें ना बटर लगे हुए होते हैं, देखो बार्गेनिंग, मौसी मम्मी सारी औरतें बार्गेनिंग तो जरूर करेगी। तो हमने बोल दिया मौसी कल ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, अभी ले लो। अभी तो भाई हमने खाना खा लिया ना, तो देखते हैं टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इसके अंदर बटर भी लगा होता है और जैम भी लगी हुई होती है ना, बढ़िया है, ये पूरी दिल्ली में हर जगह नहीं मिलता ये चीज़। देखो भाई ओल्ड दिल्ली का रश यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, अभी हम ढूंढ रहे हैं मोहब्बत का शरबत वाला। सो गाइस, मोहब्बत का शरबत तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, तो यार रमजान चल रहा है गाइस। हाँ दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ 12 बजने वाले हैं गाइस, और अभी तक ना भीड़ देखो आप, यहाँ पे क्राउड ही है देखो, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे जाके देखना और भी ज्यादा है गाइस। सो गाइस आ चुका है बस हम मोहब्बत के शरबत वाले भैया पे, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, लेकिन यार देखिए गाइस भीड़ देखिए भीड़। सो गाइस, इतनी भीड़ तो यार मैंने कभी भी नहीं देखी यार, ये तो बहुत ज़्यादा रश था, मतलब व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा था यहाँ पर मेरे को, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये असलम के चिकन वाले के बिल्कुल सामने देखिए, ये रहा वो फेमस, जो कि मैंने पहले भी व्लॉग में दिखा रखा है, लेकिन हम उस टाइम पर शायद रोज़ों में, शायद रमज़ान के अंदर नहीं आए थे, सुजल मैं और अंकुश भाई भी थे हमारे, याद होगा आप लोगों को, पिछले साल आए थे उस व्लॉग के अंदर। लेकिन आज ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, और ये देखो ये जस्ट अपने जो तरीके से पिलाते हैं ना, तो ये उस तरीके से पिला भी नहीं रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी। बट कोई बात नहीं, हमको तो बस ये पीना था और मज़े लेने थे। मौसी यहाँ पर रहती है हमारे यहाँ पर, लेकिन मौसी ने कभी इसका पिया नहीं है, आज मौसी पहली बार। कैसा है पास नहीं मस्त है ना, वो घर में बनाते हैं वो, लेकिन अलग है, लेकिन ये अलग है ना, अलग ही है। हाँ मौसा जी भी बनाते हैं पर लेकिन ये अलग चीज है गाइस। ये भाई भी बहुत फेमस है, देखो फेसबुक पे बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाले भाई भी हमारे, और ये पुचकार वाले भाई ज्यादा फेमस है। सुजल पुचकार से भी है? नहीं आज भीड़ ज्यादा है, पुचकार कम रहा है। गाइज यहाँ पर ना मेरे से व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि ना व्लॉग बनाने के लिए हाथ लंबा भी नहीं किया जा रहा था, इतना ज्यादा रश था यार यहाँ पर। गाइज अब मोहब्बत का शरबत पीने के बाद मौसी अब शाही टुकड़ा भी खाएगी, मौसी मेरी डाइटिंग खराब कराएंगी, मैं नहीं खाऊंगी, खाएंगी और डाइटिंग खराब कराएंगी। थोड़ा सा खाऊंगा गाइज, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, एक में से सब खा लेंगे यार, जहाँ मस्जिद है और शाही टुकड़ा ना खाए। देखो गाइज देखो, ये वेटिंग चल रही है, वेटिंग
ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन बस ये वेटिंग है गाइस यहाँ पे। देखो टाइम देखो गाइस, और क्राउड देखो, अंदर जाने के लिए हो रखी है वेटिंग। देखो असलम का फेमस चिकन, शीशा ही तोड़ देंगे गाइस असलम के चिकन पे। तो ये आ गया यार हमारा कूल पॉइंट, जहाँ पर मिलता है दिल्ली का फेमस शाही टुकड़ा। और देखिए यहाँ पर हमको ये स्पेशल रबड़ी मार शाही टुकड़ा सर्व कर रहे हैं। और गाइस ये ना मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा ही खाया था, लेकिन ये देखने में लोग तक टेस्टी लग रहा है गाइस। तो अब बारी आती है भाई इसको टेस्ट करने की। तो देखो यार अब इसको टेस्ट करके बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू, आपको ना मेरे रिएक्शन से पता चल जाएगा कि ये कितना ही ज़्यादा वाला टेस्टी था। मतलब मैं बता नहीं सकता गाइस ये इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, काश मैं वहाँ पर खुद बोलकर बता सकता, लेकिन गाइस शोर इतना था, इतना ज़्यादा वाला शोर था। और ये मासी ने खाया और मासी को भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा गाइस ये। काश ऐसा हो सकता गाइस मैं आप लोगों को भी टेस्ट करके दिखा सकता, मतलब आप लोग भी इसको टेस्ट कर सकते गाइस। सो गाइस मोहब्बत का शरबत और शाही टुकड़ा खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हमने फिर यहाँ से जमा मस्जिद से पटौदी हाउस दरियागंज रेड लाइट तक का ई रिक्शा किया, क्योंकि हमारे साथ गाइस बच्चे थे इसलिए हम लोगों को रिक्शा करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। सो गाइस ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब इसी के साथ पुरानी दिल्ली को बाय बाय करते हैं, बाय बाय। हाय गाइस ये नेक्स्ट डे। सो गाइस आज हम देखो कितने सारे लोग हैं खेलने, और दिल्ली के एक कोने कोने में से आए हुए बंदे, कहाँ कहाँ से आए हुए हो? स्टार प्लेयर बुला के इंट्रोड्यूस करो ये इन सबको। तो कितने डैडी, लेकिन आज बहुत मैच हार गए, 60 रुपए 500 जीतना गाइस। अब ना ये ब्लॉग ऑन रहने देता हूँ। अब गाइस ये तीसरा मैच है, दो मैच हम जीत गए लगातार। डैडी सुजल रोहन ऑपोजिट टीम में है, और देखो वो पूरी हारी हुई टीम देखो वहां से आ रही है। हारने के बाद थोड़ी सी ये तो ये जीते हुए चश्मे वाला भाई हमारी टीम में था, हट जाओ भाई। ये भी जीत वाली टीम है, ये हारी हुई टीम आ रही है गाइस। गाइस वो बेईमान नंबर वन आ रहा है, वो रोहन पंची भाई हमारा, और ये रही हमारी जीती हुई टीम भाई। और गाइस अब मैं कैमरा ऑन रखूंगा, अब आप चीटिंग और कलेश देखना क्योंकि भाई दो मैच हार गए बेईमानी करने के बाद। अब दिखाऊंगा बहुत खतरनाक बेईमानी। गाइस अभी मैच का बहुत खतरनाक सीन चल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बाजी पलट गई है और सब लोग देखो मेरे को कितना तगड़े तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पप्पी अंकल बिल्कुल शांत हो चुके हैं, कोई बात नहीं, सुजल ने हमारा मैच लीड अप करवा दिया है। और रोहन बेईमान यहाँ पर बहुत हारने की कतार पे पहुंच चुके हैं, इन्होंने जीता जिताया मैच। वाइट बॉल, बॉलर यहाँ पे घबरा चुके हैं। सुजल 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 ये कलंक है भाई हमारे पे। गाइस देखो कितने मैच जीत गए आप, कितने मैच जीते भाई साहब, आप कितने मैच जीते हो, आप कितने मैच जीते भाई, भाई आप कितने मैच जीते हो, आप कितने मैच जीते हो, आप कितने मैच जीते हो। अरे गाइस बहुत सारे मैच हारने के बाद अब ये सामने वाली टीम क्लस रही है और रूल चेंज कर रहे हैं। शक्ल दिखाइए एक बार, दिखाइयो स्माइल करियो। लेकिन एक बात आप ये चीज सोचो ना, अगर वो आगे आके खेल रहा है और कमर से ऊपर जाएगी तो कहाँ से लोगों वो तो पता चल जाएगा कि कहाँ आ रही है। अगर वो बाहर आई है ना एक कदम भी लोगों नहीं होगी, तो पप्पी मेरे पहले दफा खेल लोगे यार। गाइस चार मैच हार गए और इतना ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं ना, चार मैच हारने के बाद भाई साहब इतने गंदे तरीके से रो रहे हैं ये, इनके बस की नहीं है मैच यार। चार मैच हारने के बाद इतनी चीटिंग हो रही है ना गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इतनी गंदी। मैं आप अगर आप लोग यहाँ होते ना, देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ हमारा मैच देखने के लिए बैठे हुए हैं कि कितनी गंदी किल कर रहे हैं हम, क्योंकि डैडी और रोहन बहुत चीटिंग करते हैं। रोहन और डैडी बहुत तगड़ी चीटिंग करते हैं गाइस, इनसे बड़ा चीटर कोई नहीं है। और एक वो अंकल है भी दिखाता हूँ जूम करके, ये दिख रहे ना ये वाले ब्लू वाले डैडी के लेफ्ट में, ये बहुत
हद से ज्यादा वाली चीटिंग करते हैं गाइस ये वाले अंकल, इनसे तगड़ा चीटर जिंदगी में नहीं देखा मैंने। 2000 का मैच, 2000 का मैच है भाई, आवाजें दिल्ली शहर के अंदर, क्योंकि गाइस ये हार रहे हैं ना इसलिए। 2000 का मैच है भाई, 10000 का कर रहे हो तो बताओ। हो गया पैसे मिला दो अभी, हो गया अभी 10000 रुपए मिला दो, मेरे और तेरे पहले 10000 रुपए मिलाओ, 10000 का हो गया भाई, हो गया जमा कराओ, जमा 10000 रुपए जमा कराओ, कैश मेरे हाथों में, लाओ 10000 का मैच है, लाओ डैडी देंगे ना 10000, खेल रहे हैं मैच तो आप नहीं खेलोगे, 5 तो मिलाओ, नहीं सीरियस हो गया भाई डैडी, बहुत तगड़ा सीन चल रहा है, आवाज आ गई है। 1050 रुपए का, एक हजार एक का रख लो, एक फूलों का घंटा, एक फूलों का घंटा, 1001 ठीक है मोता जी, बोले के नाम पे जय बोले। सो हाय गाइस फिलहाल घर पे वापस आ चुके हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस ब्लॉग के अंदर देखा, सबसे पहले हम लोग वहाँ गए थे मासी के घर। सो गाइस वहाँ पर सब कुछ घूमने उमने के बाद ना हम लोग वहीं पर रुक गए थे, वहाँ रुकने के बाद नेक्स्ट डे गाइस संडे था, तो संडे को गाइस हम वहीं से डायरेक्ट आप लोगों को पता है क्रिकेट खेलने आते हैं, हम सब लोग सारे रिलेटिव जितने भी लोग हैं ना हम लोग सब लोग वहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं आरामबाग के अंदर, वो जो पार्क है ना हर संडे हम लोग वहीं पर मिलते हैं। वहां पर जाने के बाद आप लोगों को क्या ही बताऊं यार, क्या ही बताऊं, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी और प्लस ब्लॉग बनाने वाला यार कोई था नहीं, मतलब कोई कैमरे से शूट करने वाला, तो यार मैं पूरा, काश मैं पूरा दिखा पाता ना, आप लोग ना पागल हो जाते कि यार इतनी खतरनाक किल, इतनी खतरनाक चीटिंग, मतलब सफेद चीटिंग, व्हाइट चीटिंग जिसको कहते हैं ना, एक तो कहते हैं कि चल यार चीटिंग हो गई, यहाँ पे पड़ गई छक्का नहीं है, छक्का उधर है, बाउंड्री पे छक्का नहीं मानेंगे, या बाउंड्री के पार पड़ने के बाद भी कोई बंदा यूं कह दे कि भाई सिक्स नहीं है, मतलब यार मैं ना पूरी कोशिश करूंगा कि कोई एक बंदा ऐसा लेके चलूं जो हमारा व्लॉग शूट कर सके संडे वाला, सच बता रहा हूं इतनी ज्यादा, मतलब एंटरटेनमेंट तो नेक्स्ट लेवल ही होता है, नेक्स्ट लेवल का, काश मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा पाता, वो तो मेरे फोन में बस 20% बैटरी थी, मैं तब भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया और थोड़ा ट्रेलर आप लोगों को दिखा दिया गाइस, तो देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा, आप सोचो इतने में ही देख के सोचो कि कितना ज्यादा होता होगा, कितनी ज्यादा कलोलबंदी होती होगी पार्क के अंदर, जितने भी लोग थे ना वो बैठ के हम लोगों की मैच देखते, हम लोगों की किल देखते हैं, देख लो गाइस हो सकता है ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे इतनी खतरनाक किल नहीं दिख सकती, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट संडे को पूरा व्लॉग शूट कर किसी एक ऐसे बंदे को ले चलूं कि व्लॉग शूट कर सके वो पूरा, बट कोई बात नहीं गाइस, चलो फिलहाल ना रात ज्यादा हो चुकी है तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।